तो फिर आपका ये एक्सक्यूज नहीं बनता कि जी वो जो बॉल का पता नहीं चलता वो अंदर आती है या बाहर जाती है भैया अगर बॉल का पता नहीं होता ना तो इसका जो बेसिक रूल है वो ये है कि यू प्ले द इन स्विंग क्योंकि आपके मैक्सिमम आउट जो है वो इन स्विंग पे होने हैं तो बाहर वाला गेंद खुद ही गुजर जाता है ये बैट्स ओपनिंग बैटिंग और टॉप थ्री प्लेयर्स का ये रूल होता है कि जब बॉल स्विंग का अगर आपको नहीं पता तो आप हमेशा इन स्विंग खेलने जाते हैं तो बड़ी बेसिक सी चीज है ये सो लोगों को लगे कि ये मैजिक चल रहा है लेकिन बैट्समैन को पता होता है कि ये मैजिक कट असल में ये ट्रिक है तो इस ट्रिक को डील करने के लिए यू ग्रो अप टू बिकम एन ओपनिंग बैट्समैन शाहीन के स्किल से हम कुछ लेकर नहीं जा रहे मैं तो कह रहा हूँ वो हैरान कर रहा है लेकिन जो बैट्समैन परेशान कर रहे हैं कि डेढ़ साल से एक अंदर वाला गेंद जो है वो बॉलिंग मशीन पे ही लगा लो सौ डेढ़ सौ बॉल उसके रोक लो तो मेरा नहीं ख्याल वो इतनी बड़ी मिथ रह जाती है पीछे लेकिन वो बैट्समैन जब लगे रहेंगे ऐसे आउट होने तो फिर लगे रहे हमारा क्या लाहौर की मौजें हैं बिल्कुल जी और एक और जिस चीज पे हमें बड़ा हैरान है जो चीज हमें समझ में आ रही है और फरूख भाई को मैं लगाऊंगा फरूख भाई कराची किंग्स का क्या करे जी साहब आपकी शर् आवाज नहीं आ रही आ, आ रही है आ ना आपको मेरी कली 25वीं सालगिरह हुई है शादी की कंप्लीट तो मुझे न्यूट रहने की घर में

पकड़ पकड़ के जो ना उसने कहा बस म्यूट कर दो मीम्स इतने सारे आए हैं कराची को बात करने के बजाय जो है ना इंसान उसको ही बात कर ले बस <laughs> <laughs> नहीं बिल्कुल वो कहते हैं अच्छा बिल्कुल आप नीम सिखाएगा उस पर ही बात करेंगे सलमान और रिजवान आप दोनों ही बात बताइएगा कि जिस तरह कराची किंग ऑब्वियसली सात मैचेस हार गए मोराल डाउन है सब कुछ हम मान लेते हैं लेकिन जो ग्राउंड में आए हैं और मतलब फिर वही लग रहा था कि खाना पूरी है कि ये मैच खेलना है तो हम खेलना है कहीं से कोई इंटेंट नहीं था उसके अंदर रजमान क्या कहेंगे आप जी जब पता टीम जो है ना वो इतना नीचे चली जाती है ना तो वो ऑबियसली मोरल डाउन हो जाता है और अब उनको मुझे लगता है थोड़ा सा आइडिया भी हो गया हुआ है कि यू नो प्री मच आउट टूर्नामेंट से तो उस चक्कर में वो दे जस्ट कमिंग ओवर एंड यू नो गोइंग थ्रू विद इमोशन कोचिंग स्टाफ भी ऑब्वियसली बैक स्टेप चला जाता है थोड़ा सा क्या क्या बताएं इन लोगों को क्या बोले इन लोगों को तो आई थिंक उसमें वो कभी कभी फिर आके कुछ होता ही नहीं है कि व्हाट लुक अप फॉरवर्ड और उस तरह की कोई चीज मुझे लगता है कि टीम में जो हो रहा है ना कि अब वो कोई कोच आता है तो वो भी क्या बोलेगा किसी को कि यार क्या करो जाके लाइक यू नो ओ इसलिए मुझे लगता है देर इज नो नो प्लान आउट देयर फॉर एनीवन